हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर दो का पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर एक का हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दो का पहला। चलिए क्या कह रहा है जरा सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर दो का पहला क्या कह रहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ है। मतलब शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो पहले जरा जान लीजिए, द्विघात बहुपद का योगफल और शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, मतलब योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस में भी बटे क्या होता है, ए भी होता है, और अल्फा इंटू बीटा उन्हें गुणनफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए। मतलब इसका मान दिले रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहेगा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहेगा। तो पूछेगा हमसे द्विघात बहुपद पूछेगा, तो आप लोग बता दीजिए तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। यदि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। द्विघात बहुपद का सूत्र बता चुके हैं थ्योरी में कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर अब माइनस में अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा इंटू क्या होता है, एक्स। अब प्लस में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, प्लस में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। एकदम सिंपल सा, पहले एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद शून्यांकों का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा, और फिर शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योगफल के साथ एक्स कर देंगे, गुणा में क्या कर देंगे, एक्स। अब इसका मान प्लस होता है कि माइनस, तो माइनस होता है इसका क्या देंगे, माइनस। और शून्यांकों गुणनफल का मान क्या होता है, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, तो इसका क्या देंगे, प्लस। समझ में आ गया, इसी प्रकार है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला 2 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला दिया है हम लोग को, दिया है क्या दिले है जरा देख लीजिए, दिया है कह रहा हम लोगों को द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो पहला में दिया है, योगफल कितना दिले है जरा देख लीजिए, शुरू कर रहेगा शून्यांकों का योगफल दिले है कितना, योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा हम लोग को दे दिया है कितना, एक बटे कितना, चार। और उसके बाद कर्मशः का दिया है तो अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया, माइनस में एक। ध्यान समझेगा सभी, अपना अपना किताब को अच्छा से देखिएगा। एनसीईआरटी का 2.2 का क्वेश्चन नंबर कितना, दो से शुरू कर रहे हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल कर्मशः का दिया, माने पहले रहेगा योगफल उसके बाद गुणनफल, तो अल्फा प्लस बीटा और एक बटे कितना, चार, और अल्फा इंटू बीटा और कितना है, माइनस में एक। तो कह रहा है द्विघात बहुपद बताइए, इसलिए लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा जरा बोल दीजिए, था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा, फार्मूला में याद, फार्मूला समझ में आ गया होगा। पहले एक्स स्क्वायर, फिर शून्यांकों का योगफल, फिर शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योगफल के साथ एक्स गुना कर देंगे और उसका मान होता है माइनस, तो उसके आगे माइनस, और शून्यांकों का गुणनफल प्लस होता है तो प्लस, मतलब योगफल के आगे माइनस और गुणनफल के आगे प्लस। चलिए अब लिख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अब बोलिए माइनस, अब शून्यांकों का योगफल का मान कितना दे ले जरा देख लीजिए, तो माइनस में है कि प्लस में, तो प्लस में कितना, एक बटे कितना, चार, इंटू कितना, एक्स, आई माइनस की प्लस, तो प्लस, और गुणनफल, गुणनफल का मान कितना, माइनस में कितना है, एक। अब इसको हल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4x, अब प्लस की माइनस, तो माइनस में कितना, एक। अब समझना यहाँ ध्यान से, जब नीचे में कुछ आ जाए, मतलब हर में कुछ आ जाए, हर में कुछ आ जाए, तो जितना रहेगा उतना ही से गुना कर देंगे, जितना हर में रहेगा उतना ही से क्या कर देंगे, गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो सभ्य में, कितना में, सब में। तो बोलिए हर में कितना है, मैंने हर में नीचे में कितना है, चार है, चार, हर में मैंने नीचे में कितना है, चार है, तो चार से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अगर कुछ और भी रहता तो उसको भी गुना करें, क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो चार है तो चार से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यहाँ लिख देंगे चार से गुना करने पर, यहाँ से चार सब में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x² और माइनस, अब यहाँ चार गुना करेंगे तो चार ऊपर में तो कट जाएगा, तो खाली बचेगा कितना, एक्स। यहाँ देखिए चार गुना कर रहे हैं तो ऊपर में लिखेंगे चार गुने कितना, एक्स, अब बटे कितना, चार है चार, और माइनस में कितना, एक गुने कितना, चार। वहाँ लिख दीजिएगा चार से गुना करने पर, ब्रैकेट में लिख देंगे चार से गुना करने पर। चलिए कट रहा है तो इसको कट दिए, चार से चार कट गया, तो बचा कितना, 4x²
और माइनस में एक्स और माइनस में कितना चार, समझ में आ गया होगा। जब भी आ जाए नीचे में कुछ आ जाए, नीचे में कुछ आ जाए तो जितना रहेगा नीचे में उतना ही से क्या करेंगे ऊपर में गुना कर देंगे, और गुना करेंगे तो सभ्य में एक में नहीं बल्कि सभ्य में क्या करेंगे गुना करेंगे। अब ब्रैकेट में लीजिएगा चार से गुना, मैंने जितना से गुना करेंगे उतना ही से गुना करने पर, समझ में आ गया होगा। तो द्विघात बहुपद हो गया फोर एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और प्लस में माइनस में कितना फोर। चलिए पहला समझ में आ गया होगा, अब बढ़ते हैं दूसरा की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा, दूसरा में कह रहा है कि दिया है शून्यांकों का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रूट दू और शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया वन बटे दू। कर्मशः करने का मतलब पहले शून्यांकों का योगफल है तो रूट दू है और गुणनफल कितना वन बटे थ्री है। हमसे पूछा है द्विघात बहुपद, इसलिए क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो बोल दिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले एक्स स्क्वायर और माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू क्या होता है बीटा। चलिए अब सबका मान रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना तो रूट में कितना दू इंटू कितना एक्स और प्लस इसका मान बोलिए कितना माइनस में प्लस में कितना एक बटे तीन। अब इसको हल कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस में रूट दू एक्स और प्लस में वन बटे थ्री। चलिए इसके बाद बताए थे यदि नीचे में कुछ आ जाए, नीचे में कुछ आ जाए तो जितना आएगा उतना से क्या करना है ऊपर में गुना कर देना है सभ्य से कि एक से, तो सभ्य से गुना करना है। तो बोले नीचे में कितना है तो तीन है, नीचे में कितना तीन है, हर में कितना है तीन है। तो बोले तीन है तो ऊपर में कितना से गुना करेंगे सब में तीन से, तो कर दीजिए तीन से गुना तो थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस थ्री रूट एक्स और प्लस वन थ्री और गुने वन बटे कितना थ्री, तो थ्री से थ्री कट जाएगा। अपने यहाँ पर लिख दीजिएगा तीन से गुना करने पर, यहाँ लिखिएगा तीन से गुना करने पर। चलिए अब इसको ऐसे लिख देंगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में थ्री थ्री इंटू थ्री रूट टू एक्स और प्लस में कितना वन, ये हो गया द्विघात बहुपद। समझ में आ गया होगा बढ़िया से, मतलब अगर हर में कुछ आ गया जिसमें भी आ जाए, इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, कोई भी पद में आ जाए जितना रहेगा उतना से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अगर दो गो में आएगा तो दोनों को गुना कर देगा, हर वाला दोनों को गुना करके और जितना आएगा उतना से ऊपर में क्या कर देंगे गुना कर देंगे। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन दूसरा का क्वेश्चन नंबर तीसरा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है जीरो। आप लोग बढ़िया से किताब जरूर देखिएगा, अल्फा प्लस इंटू का मान अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है रूट पांच, मान योगफल का मान जीरो और गुणनफल का मान पांच रूट पांच। तो कह रहे हैं द्विघात बहुपद की बताइए, द्विघात बहुपद का सूत्र लिख दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख दिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब चलिए सबका मान रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बोलिए कितना जीरो, तो जीरो रख दीजिएगा इंटू कितना एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान बोलिए कितना रूट में कितना पाँच, रूट में कितना पाँच। चलिए अब इसको हल कर दीजिए, तो जीरो मैंने एक्स स्क्वायर, अब इसका मान करेंगे तो आएगा कितना जीरो के साथ गुना करेंगे एक्स तो कितना आ जाएगा जीरो और प्लस में कितना रूट पाँच। अच्छा जीरो के साथ जोड़िएगा नहीं कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर अब प्लस में कितना जीरो वाला हटा दे रहे हैं तो रूट में कितना पाँच, ये इसका आ गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना चौथा, दूसरा का क्वेश्चन नंबर कितना चौथा, शून्यांकों का योगफल दे है एक गुणनफल कितना दे है एक, दोनों में मैंने एक गुणनफल भी है और एक योगफल भी है, योगफल भी एक और गुणनफल भी एक, द्विघात बहुपद पूछ रहा है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। आप सबका मान रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना एक, तो एक इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना एक। अब हल कीजिए तो एक्स स्क्वायर आई माइनस में कितना आएगा एक गुने एक्स करेंगे कितना एक्स और प्लस में कितना एक। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर पाँच की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँच की ओर, शून्यांकों का योगफल दे लिया माइनस में एक बटे चार गुणनफल दे लिया एक बटे चार। तो पूछ रहा हम लोग सब द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद सूत्र बैठा दिए, अब सबका मान रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बोलिए कितना है तो माइनस में कितना है चार एक बटे चार इंटू कितना एक्स और प्लस गुणनफल का मान कितना है देख लीजिए एक बटे चार, तो रख देंगे एक बटे चार। अब इसको हल कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और एक करेंगे तो एक अब बटे कितना चार इंटू कितना एक्स और प्लस में वन बटे कितना चार। चलिए उसके बाद कहे थे
कि जितना रहेगा उतना से गुना करेंगे, तो बोलिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, चार आएगा। नीचे वाला जितना रहेगा वो अगर दो गो रह गया, अरे तीन गो रह गया, तो उसका पहले ले लीजिएगा एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम। देखिए यहाँ दो गो है, कई गो है? दो गो है, तो बोलिए एलसीएम लेंगे तो चार और चार। यहाँ क्वेश्चन तो एक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, चार आएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, चार आएगा। कितना आएगा, चार आएगा। नीचे में अगर एक से अधिक आ गया, एक रहता है तो जितना रहेगा उतना, नीचे में एक ही गो हर में रहेगा, जितना रहता है उतना में गुना कर देते हैं। लेकिन जब नीचे में दो गो आ जाए, तीन गो आ जाए, तो उसका क्या कह दीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। ध्यान समझिएगा, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो चार और चार का एलसीएम लेंगे, यहाँ तो कुछ है नहीं, चार और चार का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, चार आएगा। तो एलसीएम में जितना आएगा उतना ही ऊपर में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना, चार और चार का आएगा, चार और चार का एलसीएम कितना आएगा, चार आएगा। तो चार को ऊपर में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कर दीजिए चार एक्स स्क्वायर प्लस चार गुने वन एक्स या एक्स बटे चार प्लस चार गुने एक बटे कितना, चार। यहाँ लिखिएगा चार से गुना करने पर, चार से गुना करने पर। चलिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, चार से चार कट जाएगा, एक्स से इन चार से चार यहाँ कट जाएगा, तो बचा कितना, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना बचा, वन। फिर एक बार समझा रहे हैं, जब हर में मैंने नीचे में एक गो रहेगा, मैंने एक ही गो में रहेगा, तो जितना रहेगा उतना से गुना कर देंगे। लेकिन एक दो गो या दो से अधिक आ जाएगा, दो या दो गो से अधिक रहेगा नीचे में, दो गो या दो से अधिक रहेगा, तो सबसे पहले उसको क्या ले लीजिएगा, एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जितना आएगा एलसीएम उतना ही से ऊपर क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ऊपर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, सभी के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे, सभी में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और जो कटेगा उसको क्या करेंगे, काट देंगे। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर छह की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छह का शून्यांकों का योगफल कितना दिले है, चार, और गुणनफल कितना दिले है, एक। कह रहा है बहुपद ज्ञात करें। चलिए आप सबका मान रख दीजिए, बहुपद का सूत्र आपको याद हो गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब रख दीजिए सबका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, चार, और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, एक। अब हल कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में कितना, फोर एक्स प्लस में कितना, वन। आ गया द्विघात बहुपद। और दो नंबर का हर एक एग्जाम में, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, हर एक साल इससे इस टाइप का द्विघात बहुपद का दो या तीन क्वेश्चन जरूर पूछता है। द्विघात बहुपद का सूत्र पर आधारित दो या तीन क्वेश्चन जरूर पूछ देता है, इसलिए बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा अच्छा से। अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2.3 का थ्योरी में, 2.3 का कितना, थ्योरी में और चैप्टर में, थ्योरी और चैप्टर में हम लोग अब मिलेंगे। बढ़िया से इसको हल कर लीजिएगा, चैप्टर समाप्त हो गया। 2.2 एक्सरसाइज 2.2 बहुपद के 2.2 चैप्टर नंबर 2.2 समाप्त हो गया है। अच्छा से इसको एक बार शुरू से लेके 2.2 का थ्योरी और चैप्टर को अच्छा से एकदम समझ के बना लीजिएगा, कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि रिविजन करने में आप लोग को सुविधा हो। अब मिलेंगे हम लोग 2.3 का चैप्टर नंबर 2.3 का बहुपद के 2.3 का थ्योरी में, या तो चैप्टर में, थ्योरी मिलेंगे। पहले तो थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी में मिलेंगे।